गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है गुरुवार, मैंने पूजा कर लिया है। ये देखिए कौका भी लग गया और इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 8। और ये मेरा बेटा है, इसकी आज तबीयत ख़राब थी। बैठो नीचे। इसकी आज तबीयत ख़राब थी तो आज ये स्कूल नहीं गया, क्योंकि इसका पेट बहुत दुख रहा था, इसको लूज मोशन हो रहे थे। मगर आप थोड़ा सही है। क्यों, तबीयत कैसी है बताओ? हेलो करो, हेलो कुछ बोलो। मेरी आज तबीयत सही है। कह रहा मेरी आज तबीयत सही है। देखो कल मैंने बैग धुला था, क्योंकि इसमें ले जाना है मुझे खाना। अब सफ़र में खाना लेके जाएंगे घर का, क्योंकि जो घर के खाने की बात रहती है वो बाहर की नहीं। क्योंकि ऐसे ही मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, इसका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। तो गाइस अब मैं बनाई हूँ अपने लिए चाय। ये देखिए आप भी आए चाय पिए। ये कैसे, ये देखो हाथ में पकड़े हुए ना, तो पी रहे हैं चाय। आप भी आके चाय पीजिएगा, क्योंकि आज है उपवास। तो आज उपवास है तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, चाय मैं सुबह कभी कभी पीती हूँ, कभी कभी नहीं, मगर शाम को ज़रूर पीती हूँ। कहते हैं ना खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, तो मैं खाली पेट चाय बहुत कम पीती हूँ। और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और प्लीज़ गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो प्लीज़ गाइस आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, चाय भी पीते जाते, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। और अच्छी बनी क्योंकि मैंने पेवर दूध की चाय बनाई। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस उसके बाद फिर मुझे, जैसे कि आपको मालूम था कल जैसे मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, बाद उन सारे कपड़ों को मुझे प्रेस भी करना था। और साथ में देखो मैं बैग भी रखी हूँ, क्योंकि साथ में बैग भी लगाती जाऊँगी। तो अपने कपड़े हैं कुछ और बच्चों के कपड़े हैं, बिट्टू के कपड़े हैं, क्योंकि हम तीन लोग इधर से जा रहे हैं, बाकी मेरी मम्मा जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है अगर मेरे आप पिछले ब्लॉग देखे होंगे, तो ये कुर्ती है इसको मैं पलट रही हूँ। और गाइस मेरी ये कुर्ती कैसी लग रही है प्लीज़ ये भी बताना। और वैसे मैं इसको पहन के इसकी LB मैंने की हूँ, LB मैं DP लगाई हूँ सेकेंड चैनल में, और बाकी फर्स्ट चैनल में तो नहीं लगाई हूँ। तो कहते नहीं अब कहीं जाना रहता तो उसकी तैयारी करनी पड़ती, आज ये आज वो। तो यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा दी हूँ। और आज तो आपको मालूम है कि गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन मतलब इस टाइम पे नाश्ता पानी मैंने सब कर लिया था। और काम बहुत ज़्यादा रहता है, अब कहीं भी जाओ तो सारे काम करके जाना रहता है। अब जैसे मुझे जाना है तो उसके लिए पहले से हस्बैंड के कपड़े धुल के प्रेस करके बाकी चीज़ों का सब कुछ अच्छे से ध्यान करके रखना है, क्योंकि हस्बैंड देखो जॉब करते हैं, उनको कोई चीज़ अगर वो घर आए तो उनको ये चीज़ नहीं मिले वो चीज़ नहीं मिले, तो इसके लिए सब पहले से ही करके जाना है। बल्कि वो घर पर खाना नहीं खाएँगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घर पर खाना बनाए, खाना तो वो खुद ही मतलब बाहर खाएंगे। और गाइस उसके बाद फिर देखो प्रेस वेस मैंने कर लिए, और ये शाम का वीडियो है। उसके बाद मैंने दीपक जलाया, यानी पूरा नाश्ता वगैरह खाना वगैरह हो गया बच्चों का, और मेरा भी होगा, जो मुझे खाना रहता वो भी मैंने खा लिया, क्योंकि इसमें पराठा बना के खाए जाते हैं गुरुवार के दिन, तो मैं हल्दी डाल के पराठा बना लेती हूँ और वो मैंने खा ली। उसके बाद बर्तन धुल रहे हैं, और कहते हैं ना बच्चों के साथ बच्चे ही बनना पड़ता है, तो मुझे अपनी बेटी के साथ तो भाई कभी बिल्ली बन के उसके साथ खेलो कभी कैसे खेलो। और यहाँ पे बर्तनों की जल्दी से धुलाई कर रही हूँ, बर्तन जैसे ज़्यादा रहते इस टाइम पे क्या रहता पानी जैसे नहीं आ रहा, तो मैं बर्तन को बाथरूम में ला के धुल लेती हूँ, क्योंकि वेशिंग में बराबर पानी नहीं आता। अब टाँकी ऊपर रखी नहीं, अपना घर हो तो हर एक चीज़ करवा सकते हैं, जब अपना घर नहीं कुछ दिन के लिए यहाँ है, आज है कल नहीं है, तो क्या आज ये करवाएं कल वो करवाएं, फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी जगह सारा सामान लेके जाना पड़ेगा, तो इसीलिए उतना ही सही चल जाए। आज बिट्टू ने दूध लेके आई है, ये देखो नहीं, मम्मा ले लेके आई है।
दूध बिट्टू ली है आज, बोली मैं दूध लूंगी मैं। ये देखो इनका दूध ये आ गया। अच्छा दे रहे हैं। और ये देखो इनका दूध रखे हुए हैं यहाँ यहाँ पे, क्योंकि ठंडा होना था इनका दूध, तो लोटे में करके जग में रख दिए। ये देखो इनका ये दूध है, ये ठंडा होगा, ये ठंडा होने के लिए रखे हैं। अभी बाबू ठंडा नहीं हुआ सही से। दे दिया ये देखो, अब इसके लिए बहुत रो रही थी। हम कह रहे थे गरम है थोड़ा ठंडा हो जाए, तो मान नहीं रही। अब हमें क्या करना, बैठ अब पियो आप। चलो ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। और आपको ये दिखा दे, ये सारे कपड़े हैं, इनको मुझे प्रेस करना, सारे कपड़े रखे हुए इनको प्रेस करना है। बहुत काम है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा काम करने का मन नहीं, जैसे थका सा शरीर लग रहा। बाबू लोटे का दूध उधर रख देना, ए बच्चा लोटे वाला दूध उधर रख दो, पीछे कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। और बारिश की वजह से बराबर धूप नहीं निकल रही, तो इसी तरह कहीं मुझे बेड पे कपड़े डालने होते, कहीं तखत पे ऐसे करके सुखाते हैं कपड़े। तो चलते हैं, कुछ देर बाद ही मिलते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चौक मार्केट जा रहे हैं, और इस जगह पे खड़े हुए हैं, टैक्सी में बैठे हैं। अभी सामने से कोई आना बाबू, आज बिट्टू क्या लेंगे? शॉपिंग करेंगे। बेटू और बिट्टू दोनों लोग शॉपिंग करेंगे। चलिए गाइस कुछ देर बाद। और ये बहुत है, और बिट्टू कह रहे मेरे लिए घर आ गए वापस। बेटू क्या खा रहे हो? बेटू कैंडी खा रहे हो। बिट्टू को देखो, अभी तक कपड़े पहनी थी, अब ऐसे हो गई बिना कपड़ों के। ये बिना कपड़ों की, ये देखो कपड़े निकाल दिए अपने सारे कपड़े, और कुछ सामान था। और बिट्टू और बेटू ने अपने, बिट्टू भी लाई कैंडी अपने लिए, बिट्टू अपना ज्योमेट्री बॉक्स ये देखो लेके आई, लोगों के पास होते हुए भी ये देखो लेके आए। और बिट्टू ने सजाना भी शुरू कर दिया, ये बिट्टू ने सजा दिया। और ये बाबू भी लेके आए, और कुछ कपड़े वगैरह लेके आए हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। और मैं तो थक गई हूँ, अब पीऊँगी थोड़ा सा चाय पीऊँगी तो अच्छा लगेगा, तो पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और काम ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय। गाइस बेटू और बिट्टू में द्वंद युद्ध हो गया, और बिट्टू देखो कपड़े ही निकाल देती इस लड़की के। देखो ये फ्रॉक पहनी थी, आपको दिखाते कौन सी फ्रॉक, ये फ्रॉक पहनी थी ये फ्रॉक, और इसको निकाल के फेंक दी। इनको कुछ पहनना नहीं, इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ये क्या है, ये क्या है? और ये देखो उनकी पूरी जो बेटी की है, इसकी पूरी गंदी बात की है तो बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा। बहन भाई इतना लड़ते मुझे तंग करके रखे। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद, और बिट्टू और बेटू को सुलह करते हैं। और आज मेरा उपवास है, आज मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आज एल भी तो मुश्किल है, करना कल करते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं पूरा। और इस टाइम पे बज रहे हैं, रात के 11 बज गए। मुझे रोज़ 11 बज जाता वीडियो एडिट करना, अब मुझे वीडियो एडिट करना है।
और आज जैसे आपको मालूम था आज गुरुवार है, तो मैंने पूरा नाश्ता वगैरह सब कर लिया, बच्चे मेरे सो गए हैं, आज बच्चे भी सो गए हैं, बाकी अब बस वीडियो पोस्ट करके मैं भी सो जाऊंगी। तो कल फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखिए, गुड नाइट, गुड बाय। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता, बच्चे भी बनना पड़ता। आज के ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कल भी।